आज खंड सतनाली के राजकीय महाविद्यालय में मेरा वोट मेरी धरोहर रैली का आयोजन किया गया। प्रोफेसर जरनैल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को संबोधित किया। प्रोफेसर शर्मिला व पविता ने रैली का आयोजन किया, साथ ही बच्चों को मत का महत्व बताया। प्रोफेसर विचित्र सिंह वीरेंद्र शेखावत ने अपने वक्तव्य के द्वारा बच्चों को प्रेरित किया। डॉक्टर जय भगवान व प्रोफेसर अजीत सिंह ने मत के महत्व पर बल दिया और बच्चों को जागरूक किया। रैली में समस्त स्टाफ ने सहयोग किया। प्रोग्राम के तहत बच्चों को जागृत किया गया कि बेटा अगर अपना वोट, सभी बच्चे अपना वोट बनवाएं ताकि सही जगह आपका मतदान हो सके, क्योंकि अगर मतदान की रेशो कम आती है तो हम सही और निष्पक्ष उम्मीदवार का चुनाव नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा मतदान का जो रेशो है वो ऊपर हो और कम से कम इस इलाके में 75% मतदान की अब उम्मीद की जा रही है, और जिन बच्चों से हमने रैली निकलवाई है उन बच्चों के 50% वोट बने हुए हैं और 50% बच्चे कह रहे हैं कि हम अपना जल्द ही बनवा लेंगे, और इस रैली का मुझे लगता है कि ये रैली कारगर सिद्ध होगी। साथ ही ये बताया कि लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो आप इसमें भागीदारी कीजिए। स्वस्थ लोकतंत्र तभी कायम हो सकता है जब प्रत्येक की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करेंगे। इस सुनिश्चितता के लिए व्यक्ति का मतदान में भाग लेना अनिवार्य है, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज महाविद्यालय के प्रांगण में ये एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें वोमेन सेल के प्रभारी डॉक्टर शर्मिला यादव के माध्यम से छात्रों और छात्राओं को एक दिशा निर्देश प्रदान किया गया, जिसमें आग बढ़ चढ़ करके छात्रों ने हिस्सा लिया। एंड माई डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे कॉलेज प्रांगण के अंदर सभी मेरे प्यारे दोस्तों और मित्रों को आमंत्रित किया गया एक रैली के प्रति, जिसमें उन्हें अपना मत सही जगह पर प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया है और सभी को अपना वोट बनाने का अधिकार सिद्ध हो सके, इसलिए उन्हें इस रैली के अंतर्गत सुचारू रूप से जागरूक किया गया है। धन्यवाद। इस नवीन पीढ़ी को जागरूक करने के लिए राजकीय महाविद्यालय सतनाली की तरफ से वोट के प्रति जागरूकता लाने के लिए और लोकतंत्र को जीवित रखने और समृद्ध करने के लिए एक रैली निकाली गई है, जिसमें न केवल बच्चों को जागरूक किया गया है बल्कि ग्रामवासियों को भी जागरूक किया गया है कि वो भी वोट के अधिकार को समझे, इसके महत्व को समझे, ताकि हमारा लोकतंत्र विश्व में अग्रणी है और सदैव अग्रणी रहे। महाविद्यालय के इस प्रयास की सफलता का हम सभी जो है इच्छा करते हैं कि ये प्रयास एकदम सफल हो, और इसी प्रकार के प्रयास यदि देश में सभी जगह हो तो लोकतंत्र हमारा कभी भी पीछे की तरफ नहीं आएगा, सदैव आगे एक तरफ उन्नत होता रहेगा।